अगर आप सच्चा निषाद हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सहनी, निषाद और मल्ला जाति में क्या अंतर है। आज की पूरी डिटेल में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं सहनी, निषाद और मल्ला में क्या अंतर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सच्चा सनातनी निषाद हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित हिंदू को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अंतर जानने से पहले निषाद, सहनी और मल्ला जाति में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो आपको बता दें कि सहनी, निषाद, मल्ला जाति में सबसे पुराना जाति निषाद जाति है जो सतयुग से चला आ रहा है। सनातन हिंदू धर्म में निषाद जाति को सबसे पुरानी जाति मानी जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि निषाद एक प्राचीन वंश है। निषाद का मतलब होता है निह मतलब जल और साद मतलब अर्थ है शासन, यानी कि अर्थ है कि जल पर शासन करने वाला। प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज के यही मालिक थे, यानी कि दोस्तों निषाद जाति के लोग हैं वो मालिक थे, राजा थे। निषाद राज निषादों का राजा का उपनाम है। वे रिंगवेरपुर के राजा थे। वे निषाद समाज के थे और उन्होंने ही वनवास काल में भगवान राम, सीता तथा लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। कहार भील निषाद समाज का आज भी इनकी पूजा किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो निषाद राज हैं वो निषाद के राजा थे और उन्होंने ही भगवान राम को नदी पार करवाया था। मल्ला और सहनी कोई जाति नहीं है, जाति सिर्फ निषाद जाति है जो सतयुग से चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मल्ला और सहनी शब्द का निर्माण बाद में हुआ, सबसे पहले निषाद जाति का निर्माण हुआ। निषाद जाति के लोग बाद में ही सहनी और मल्ला टाइटल लगाने लगे। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि सहनी और मल्ला कोई जात नहीं है, ये सिर्फ निषाद जाति का टाइटल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सच्चा निषाद है, सच्चा सनातनी हिंदू हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तभी सब्सक्राइब